जो लोग हैं सबको मेरी तरफ से अकीदत भरा सलाम। और ये जो हमारे सिख भाई सरदार जी साहिबान तशरीफ रखते हैं यहां पर, सत श्री अकाल। बहुत प्यारी प्यारी पगड़ियां पहनी हुई हैं आपने, खूबसूरत पगड़ियां पहनी हुई है, जलसे का रंग सजा दिया है माशाल्लाह। और ये जो मसीही बिरादरी भी यहां पर तशरीफ फरमाए, मैं झंडे देख रही हूं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ननकाना वालों, आज बहुत सर्दी है, आज शायद सर्दी का सबसे आज सख्त तरीन दिन है, लेकिन ननकाना वालों आज मैं यहाँ पहली मर्तबा आई हूँ, लेकिन मुझे पता है आप लोग जबर से नहीं डरे, जुल्म से नहीं डरे, इंतकाम से नहीं डरे, मुश्किल सियासी हालात से नहीं डरे, और आज सर्दी से भी नहीं डरे इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हो जलसे में। और आज जब नवाज शरीफ आपसे वादा कर रहे थे कि वो यहां स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, अस्पताल देंगे, तो मैं बहुत खुश हो रही थी, मैं कह रही थी कि मेरा ननकाना इंशाल्लाह सज जाएगा और नवाज शरीफ सजाएगा इस ननकाना को इंशाल्लाह ताला। मैं शिजरे मनसब जो कि ननकाना की एक बावफा बेटी है, नवाज शरीफ साहब की बावफा बेटी है, बावफा बहन है, मुश्किल वक्त की साथी है नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की कारकुन है, इस अकेली निहत्ती औरत ने जिस तरह, और ननकाना ने, ननकाना के अवाम ने जिस तरह एक जमात के सरबराह का तन तनहा मुकाबला किया और उनको बहुत टफ टाइम दिया, शजरे मैं आपको और ननकाना की अवाम को दोनों हाथों से सलूट करती हूँ। चौधरी बरजीस ताहिर साहब, मियां इजाज हुसैन भट्टी साहब, राना मोहम्मद अरशद साहब, जरा मैसेज राना साहब कम किया करें थोड़े से, मेहर काशिफ पटियार साहब और आगा अली हैदर साहब, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और शेर को ननकाना में और आपके इलाके में जबरदस्त फतह अता फरमाए। और होगी, आज ननकाना ने अपना फैसला सुना दिया है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। ननकाना वालों, पिछले कई साल आप देखते थे ना, यहां मकबूलियत के बहुत दावेदार घूमे फिरते थे कि हम बड़े मकबूल हैं, तो नवाज शरीफ साहब को फाउल प्ले से, मैदान से बाहर करके अकेले, वो कहते ना सुंजिया अनजान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, नवाज शरीफ मुकाबले में था ही नहीं तो कौन सी मकबूलियत। आज नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से वापस आ गए तो अब पता चलेगा मकबूलियत किसको। तो आपने फाउल प्ले करके, धांधली करके, जालसाजी से बाहर निकाला, नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने अपने आप को खुद बाहर निकाला, अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते, अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था ननकाना साहब वालों कि हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम, जरा सुनो ननकाना से, हम 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करने वाले लोग हैं, हम अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। और ननकाना वालों, नवाज शरीफ का मुकाबला, मेरा मुकाबला, आपका मुकाबला, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी शख्स से नहीं है, हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है।
हमारा मुकाबला किसी फर्द से नहीं, किसी जमात से, आपकी खुदा ना खास्ता गरीब की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से। हमारा मुकाबला 120 रुपए किलो चीनी से है। हमारा मुकाबला आपने हाथ खड़े किए और नवाज शरीफ साहब को बहुत तकलीफ से बताया, जब उन्होंने पूछा कि बिजली के बिलों से आप लोग कितनी तकलीफ में हो, तो आपने हाथ उठाकर बताया, मेरे दिल को भी तकलीफ पहुंची। तो हमारा मुकाबला आपके जो बिजली के लंबे लंबे बिल आते, हमारा मुकाबला उनके साथ है। और मुझे पता है कि ननकाना में और इसके नवाही जितने भी एरियाज हैं उनमें गैस की प्रॉब्लम है, हमारा मुकाबला उस गैस की कमी के साथ है। मैं वादा करती हूँ इंशाअल्लाह ताला, आप नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को खिदमत का मौका दोगे, दिनों में महीनों में इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आजकल एक और बात भी चलती है कि नवाज शरीफ लाडला है। हाँ, मरियम नवाज शरीफ कहती है नवाज शरीफ लाडला है, लेकिन नवाज शरीफ और बार बार नवाज शरीफ साहब को निकाल देते हैं, बार बार कभी बेटे से तनख्वाह नहीं ली, कभी अब जहाज हाईजैक किया, इतने अजीब अजीब इल्जामात लगा के निकाल देते जिनको आवाम ने कभी नहीं माना। लेकिन इसका सिर आपके सर जाता है ननकाना वालों के, निकालने वालों ने बार बार निकाला, आप बार बार वोट देकर नवाज शरीफ को वापस लेकर आए। और उसकी वजह यह है, मैं जानती हूं उसकी वजह यह है कि आप जानते हो कि अगर आपका दर्द रखने वाला पूरे पाकिस्तान में कोई वाहिद लीडर है तो उसका नाम है, उसका नाम है, अगर आपके लिए दिन रात एक करके गाली गलौज सुन के, तनकीद सुन के कोई सर फेंक कर काम करने वाला, खिदमत करने वाला लीडर है तो उसका नाम है। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं कोई फॉरेन इंपोर्टेड नहीं हूं, मुझे बाहर से किसी ने फितना बना के लॉन्च नहीं किया पाकिस्तान में। ननकाना वालों, हाथ उठा के गवाही देते हो ना कि इस मुल्क का, इस कौम का, कोई इस धरती का, इस मिट्टी का कोई सच्चा बेटा है तो उसका नाम क्या है? अगर सच्चे मायनों में एक मेड इन पाकिस्तान लीडर है तो वो कौन है? तो फिर अगर आपकी खिदमत नवाज शरीफ ने करनी है, आपकी तकलीफें इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ ने दूर करनी है, अगर आपका दर्द सिर्फ वो रखता है, तो नवाज शरीफ साहब को इतने वोट देना, मुस्लिम लीग नून को इतने वोट देना, शेर पे इतने ठप्पे लगाना कि और किसी बैसाखी की नवाज शरीफ को जरूरत ना रहे। और ननकाना वालों, मुझसे वादा करो कि 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन कोई घरों में नहीं बैठेगा। नहीं बैठोगे ना? मेरी बहनें और माएं भी बताएं, घरों में नहीं बैठोगे ना? मेरे नौजवान भी बताओ, घरों में नहीं बैठोगे ना? मुकाबले में कोई नजर आए या ना आए, आपने निकलकर शेर पर थप्पा लगाना है और आपने इस मुल्क की तरक्की के फैसले में अपना हिस्सा डालना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हम सब की बतौर पाकिस्तानी जिम्मेदारी है कि हम वोट उसको दें जो इस मुल्क की तकदीर बदलने का अहल हो। अहल लोगों को वोट देना ताकि आपकी किस्मत, आपके घर में जो मुश्किलात आई हुई हैं उनका भी हम कोई अजाला कर सकें। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला नवाज शरीफ को और शेर को फतह अता फरमाए। अल्लाह ताला आप हमें तौफीक दे कि दिन रात आपकी खिदमत कर सकें, आपकी तकदीर बदल सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।